महिला स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा की पवन धरती है, जहां जंगल, झाड़ों, नदी नालों, पहाड़ पर्वतों एवं झरनों से सजी है। लेकिन आज सड़क के किनारे लगे कई पेड़ों को विकास के नाम से काटा जा रहा है। आइए इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं आपको मिलवाती हूँ। मैं अमिता और ये है मेरा समुदाय। रोड चौड़ा कर रही है सरकार, तो ये अच्छी बात है, पर जो ये जो पेड़ कट रही है ना, वो तो बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि इससे पब्लिक को भी परेशानी होगी, खासकर जो लोग बाइक से जा रहे हैं उनको हवा नहीं मिलेगी गर्मी के दिन पे, तो ये सब परेशानी है। और ये पेड़ मेरे दादाजी लगाए थे, उनका ये आखिरी परेशानी था, तो जिस दिन ये पेड़ कट रहा था उनको बहुत तकलीफ हो रहा था। देखिए, ये तो सब सरकार की योजनाएं हैं, सड़क चौड़ीकरण करना, और जितना दूर सड़क चौड़ीकरण में जमीन आएगा उसमें अवस्थित पेड़ों को काटना और सड़क बनाना, ये सरकार की योजनाएं हैं। और इन योजनाओं के तहत जैसे कोई सड़क है और सड़क से बाहर फिर जितना जमीन सड़क बनाने के लिए सरकार ले रही है, चाहे जंगल विभाग का जमीन हो, चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे पब्लिक का जमीन हो, तो वो जमीन में पड़ने वाला जो पेड़ है वो पेड़ को काटने के लिए भी वो वन विभाग से परमिशन लेता है, और वन विभाग से नियम अनुकूल जो है सो परमिशन देना ही है, और परमिशन दे दिया जाता है उसके बाद जो है सो सरकारी एजेंसी है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, वो लोग जो है सो उसको काटता है और ले जाता है, और ले जा करके उसको फिर ऑक्शन करके बेचता है, सरकार के खाते में जो जाता है। सरकार के द्वारा रोड चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े वृक्षों को काट करके ठेकेदारों के हाथ दिया जा रहा है, ये बिल्कुल हमारे समझ में तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पर्यावरण में भी बहुत फर्क पड़ता है, और ख़ास करके कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी फर्क पड़ता है, इससे ये नहीं होना चाहिए। जो लोग पेड़ पौधों से जुड़े हैं, इनके खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, पेड़ों की खेती से, उनको लगता है कि कितना मुश्किल से ये पेड़ बढ़ा होगा, इसको रोकने वाला कितना मुश्किल से इसको बड़ा किया होगा, ऐसा लगता है, और बात भी सही है। लेकिन अब सरकार उसको रोड चौड़ बृहत मने कि क्या कहते हैं कि जनहित का काम है रोड चौड़ीकरण भी, और रोड चौड़ीकरण में चौड़ीकरण वाला एरिया में जो पेड़ आएगा उस पेड़ को तो काटेगा ही, कहीं पर रोड चौड़ीकरण में रोड कट रहे हैं तो बहुत सारे जगह वो पेड़ पौधे लगाए भी जा रहे हैं। ये तो एकदम लगातार चलने वाली प्रक्रिया, हर साल लाखों की संख्या में रोड साइड में पेड़ लग ही रहे हैं। एक जमाने में हम लोग का बाप दादा आजा के समय में कहावत कहते थे कि अंग्रेज लोग जो भी आपका वृक्ष लगाया है वो फलदार वृक्ष लगाया है, और ऐसा ऐसा वृक्ष लगाया है जो आज के डेट में हम लोग उसको जीवित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा जो वृक्ष कटाया जा रहा है ये एक दिन हानिकारक होगा, और वो जो करके गया है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे और ना सरकार कर पाएगी, कि सरकार इस पर अभी ध्यान दे, अन्यथा एक दिन बुरा परिणाम भी सामने आ जाएगा। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि दुनिया में पेड़ों की कटाई के कारण ही जलवायु परिवर्तन का संकट पैदा हो रही है, और यही वजह है कि जलवायु संकट के कील पर खड़ी है, जो सभी मनुष्यों एवं जीव जंतुओं के लिए खतरे का एक संकेत है। अतः आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि खूंटी में पुनः अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी खूंटी श्री AK त्रिपाठी और कार्यालय नंबर 06-2528-2213-54 पर कॉल करें, जिससे कि पर्यावरण को संतुलन बनाया जा सके। इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों का आभारी हूँ। मैं अमिता, झारखंड खूंटी से, इंडिया अनहर्ड के लिए।